साइंस में 100 में 70 मार्क्स आ रहे हैं, बट वो 70 के 70 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रहे हैं, इच मीन्स यू कैन अचीव बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर। क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ना सोशल साइंस चाहिए ना बायोलॉजी चाहिए, लेकिन आपकी परसेंटेज बनती है 78, 82, उस मुकाबले किसी परसेंटेज 92 बन रही है तो वो रिटायर मार देता है। तो सोशल साइंस में वो अपनी 98 मार्क्स ले आता है, बट समबडी जिसकी फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे पूरे मार्क्स आए, मैथ्स में पूरे मार्क्स आए, बट ओवरऑल परसेंटेज है 82, विजिबली समबडी जिसकी मैथ्स में भी 100 में से 95 है, साइंस में भी 100 में से 90 है, सोशल में भी 95 आ गए क्योंकि वो फिलहाल रट्टे मार देता है, बहुत मेहनती है। तो बेटर इंजीनियर कौन बनेगा? पहला बच्चा। आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स के तरह चोरी देखी है, रेज योर हैंड्स, ठीक है। उसमें उसमें आप उसमें जो थर्ड स्टार है वो क्या करता है? आर मोहम्मद जो फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ के, दैट इज बेटा इज द ट्रू एंड ऑनेस्ट थिंग अबाउट टुडेज वर्ल्ड। 25 साल पहले जब बिल्कुल मैं आपकी एज का था तो ये चलता था, क्योंकि हम सोचते थे कि चार ही लोग पैसा कमाते हैं इंडिया में, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, लॉयर। आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप टीवी देखते हैं, दैट इटसेल्फ अ बिग प्रोफेशन, राइट? जर्नलिज्म में भी पैसा है, एक्टिंग में भी पैसा है, डांस करने में भी पैसा है, डांस शो जज करने में भी पैसा है, स्टैंड अप कॉमेडी करने में भी पैसा है, यूट्यूबर बनने में भी पैसा है, क्रिएटिव डिजाइन करने में पैसा है, विजुअल इफेक्ट देने में भी पैसा है, ऑफकोर्स इंजीनियरिंग, मेडिसिन में तो पैसे है ही, पैसा मिस करियर है। विच मीन्स आज 400 करियर है इंडिया में, और हर करियर में आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान